नमस्कार, एमबी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगापुर की 4 दिवसीय यात्रा पर चांगी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पहुंचे। उच्चायुक्त विजय ठाकुर सिंह और फर्स्ट सेक्रेटरी प्रद्युम्न त्रिपाठी ने उनका किया स्वागत। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने नया बसेरा में सामाजिक समरसता सम्मेलन को संबोधित किया। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय युवा उत्सव के शुभारंभ समारोह को किया संबोधित। और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू ने महिलाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की। और अब खबरें विस्तार से। भेल और ऑटो हब इंदौर की अनुपयोगी भूमि राज्य शासन को वापस करने पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने ये बात नया बसेरा भोपाल में सामाजिक समरसता सम्मेलन में कही। उन्होंने संत रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। गीते ने कहा कि नया बसेरा के विकास के लिए भेल के विकास फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अच्छी योजनाएं जैसे लाडली लक्ष्मी बेटी बचाओ योजना को केंद्र सरकार द्वारा भी लागू किया गया है। गीते ने कहा कि जब समाज का हर वर्ग विकसित होगा तभी देश का विकास होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न मंत्रालय द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं। गृह एवं जेल मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि योग करने से चैतन्य प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने नियमित योग करने को कहा। गौर आज भोपाल के बरखेड़ा भेल क्षेत्र के महात्मा गांधी स्कूल में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। गौर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की 153वीं जयंती पर हम संकल्प लें कि नियमित योग से स्वयं को स्वस्थ प्रसन्न और चैतन्य रखेंगे। उच्च एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय अंतर विश्वविद्यालय युवा उत्सव 2016 का शुभारंभ किया। जोशी ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार को भी जोड़े। इस दौरान विभिन्न विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित थे। जोशी ने कहा कि विद्यार्थी भविष्य में कुछ बनने से पहले अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के कथन उठो जागो और तब तक नहीं ठहरो जब तक कि लक्ष्य नहीं मिले का हमेशा पालन करें। जोशी ने उत्सव की स्मारिका का भी विमोचन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य सुषमा साहू ने महिलाओं से संबंधित पारिवारिक विवाद, दहेज हत्या, कार्यस्थल प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण की सुनवाई की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरेरा हिल्स भोपाल में साहू ने शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू ने सुल्ताने जनाना चिकित्सालय का भी निरीक्षण कर भर्ती मरीजों और उनके परिजन से अस्पताल व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस संबंध में उन्होंने चिकित्सालय प्रबंधन को भी जरूरी निर्देश दिए। और फिलहाल एमपी लाइव में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।